तो आज हमें सबसे हमारा प्रायोरिटी टॉप लिस्ट पे होना चाहिए वो थिंकिंग राइट अबाउट कोरोना। यानी जो हम ख्याल करते हैं उसी से हमारे फीलिंग्स बनते हैं, उसी से फीलिंग्स के बाद में फिर उसी से हमारे हैबिट्स बनते हैं, और फिर वैसे ही हम एक्ट करने लगते हैं, और फिर वो हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। बार बार हाथ धोने के लिए बार बार कहा जाता है, अरे मन को कब धोओगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मन पे जो दाग आज पड़े हुए हैं ये कोरोना की वजह से, उसको धोना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस मन को नहीं धोएंगे और सिर्फ हाथ धोते बैठेंगे, पहले भी तो हम हाथ धोया करते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि आज हम हाथ धो रहे हैं और वो भी वो फियर के साथ धो रहे हैं कि हमको ये डिजीज न होने पाए, इसलिए हम हाथ धो रहे हैं। देखो तीन टर्म यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक टर्म है जिसको कहते हैं क्वारंटाइन, एक टर्म है जिसे आइसोलेशन कहते हैं, और थर्ड टर्म है वो सोशल डिस्टेंसिंग। अब इन तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा अलग अंदाज से बयान करने की कोशिश करता हूँ, समझ लीजिए। ये क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि आदमी अगर किसी डिजीज से एक्सपोज हुआ है और वो इनक्यूबेशन पीरियड में है और उसको उसके अंदर चांसेस हैं कि उसको वो बीमारी हो सकती है, तो उसको थोड़ा अलग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं क्वारंटाइन। और आइसोलेशन उसको कहते हैं कि जब आदमी को कोई डिजीज़ हो जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज, और फिर उसको सेपरेट कर दिया जाता है कम्युनिटी से, और हो सकता है उसको हॉस्पिटल में आइसोलेट करें या किसी डिफरेंट जगह पे उसको अलग रखें, तो उसको कहते हैं आइसोलेशन। और तीसरा होता है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी जब भी हम किसी से मुलाकात करें तो उसके एकदम करीब ना जाए, उसको हाथ ना मिलाएं और उसके गले ना मिलें, बल्कि उसको ग्रीट करें तो बो डाउन करके ग्रीट करें, या तो फिर उसके और हमारे बीच में एटलीस्ट 1 या 2 मीटर का गैप रहे, इतना देखना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें ये कोरोना के तरफ से तो बता रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, ये जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोरोना इज लाइक अ फ्लू वायरस, तो इससे कोई डरने की बात है नहीं है। पहले दिमाग से निकाल दो कि हमारे जो दिमाग में डर बैठा हुआ है वो निकाल दो। अब इस ताल्लुक से ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों प्रिकॉशन हमको हर कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए लेना पड़ती है। अगर हमने हर कम्युनिकेबल डिसीज़ वो कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी वो डिसीज़ जो एक को एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग को लगती है, या किसी जानवर से ह्यूमन बींग को लगती है, या किसी परिंदे से ह्यूमन बींग को लगती है, इन सब डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। वो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हवा से फैलती है, तो या जो टच करने से फैलती है, उन सारे कम्युनिकेबल डिसीज़ को ये सारे प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी होते हैं। बेसिक इसमें जो जिसका ताल्लुक है वो है हमारे ख्यालात, हमारे थॉट्स। जब तक ये कोरोना के ताल्लुक से जो हमारे थॉट्स अभी बन रहे हैं उनको हम चेंज नहीं करते, हम कोरोना से फाइट नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि क्वारंटाइन करना चाहिए, आइसोलेशन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। देखो हम फिजिकली तो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं लोगों से, मगर क्या आपको मालूम है कि जब हमारे दिमाग में कुछ थॉट चल रहे होते हैं, थॉट इज अ इम्पल्स, थॉट इज अ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं यानी एनर्जी चल रही है, एनर्जी तो निकल जाती है, इट इज एन इम्पल्स, वो निकल जाती है और वो हवा में एटमॉस्फेयर में रहती है और वो हिट करती है जहाँ पे जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, और फिर रिटर्निंग इम्पल्सेस जो आते हैं वो आपको हिट करते हैं। तो थॉट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, थॉट एनर्जी है इसलिए वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आज हम ये सोच लें कि अगर आज हम एक बॉल मार रहे हैं जो ब्लैक है और वो दीवार पे मार रहे हैं, जितना ज़ोर से बॉल मारेंगे दीवार पे उतना ज़ोर से आपकी तरफ रिटर्न हो जाएगा। अब अगर आप ब्लैक मार रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाइट बॉल हमारे पास आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं आज कोरोना के ताल्लुक से और हमको डिजीज़ होने के ताल्लुक से, ये फियर और भय के वातावरण में हम लोग अपने आप को डाल रहे हैं, ये सब निगेटिव थॉट्स हैं। अगर हमारे निगेटिव थॉट्स हैं
इट इज लाइक अ ब्लैक बॉल्स वी आर हिटिंग ऑन द वॉल, और वो फिर आने वाला भी ब्लैक बॉल ही होगा हमारे साथ। जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हमने भय का वातावरण क्रिएट किया हमारे इनसाइड, तो हमको जो रिजल्ट आ जाएगा, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। अब ये हम सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल कर रहे हैं, अगर हमारे ख्यालात फियर वाले होंगे यानी निगेटिव ख्यालात होंगे, अगर हमारे निगेटिव ख्यालात हैं इस घर में, इस सोसाइटी में, इस गांव में बहुत सारे लोग हैं जहां पे निगेटिव ख्यालात हैं, तो देखो जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उन सब पे भी ये वाइब्रेशंस निगेटिव चले जाते हैं। और फिर हमारा खाना भी निगेटिव वाइब्रेशन वाला होता है, हमारा पीना भी निगेटिव वाइब्रेशन वाला होता है, हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी निगेटिव वाइब्रेशन वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। अगर हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए तो आज हमको हमारे थॉट्स बदलने पड़ेंगे इस कोरोना के बारे में। सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं, मगर थॉट्स के डिस्टेंसिंग, आई मीन टू से कि वाइब्रेशन जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें भी डिस्टेंसिंग तो होना चाहिए, यानी उसमें भी अच्छे ख्यालात हम लोगों तक पहुँचाने चाहिए। यानी जो हम ख्याल करते हैं उसी से हमारे फीलिंग्स बनते हैं, उसी से फीलिंग्स के बाद में फिर उसी से हमारे हैबिट्स बनते हैं, और फिर वैसे ही हम एक्ट करने लगते हैं, और फिर वो हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। कोरोना अगर डिजीज चली भी जाए, यहाँ से दुनिया से वाइप आउट हो भी जाए, मगर हमारे अंदर जो हमारे ख्यालात हमारे उभरे थे फियर वाले, उससे जो इम्पैक्ट हो जाएगा हमारे ऊपर वो होगा डिप्रेशन वाला इम्पैक्ट। अब आज अगर हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। अगर कोरोना जाने के बाद भी अगर आप स्टडी कर लो तो डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और वो डिप्रेशन इस वजह से होगा कि आज इकोनॉमिकल लॉकडाउन हो गया है, आज रिलीजियस लॉकडाउन हो गया है, आज पॉलिटिकल लॉकडाउन हो गया है, सबसे बड़ा लॉकडाउन हो गया है वो फाइनेंशियल लॉकडाउन हो गया है। लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लोग के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, और लोग मैंने डर के मारे जी रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ अटक गए हैं, यानी कोई दिल्ली में अटक गया है, कोई राजस्थान में अटक गया है, कोई मुंबई में अटक गया है, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, उनके बाल बच्चे, उनकी सारी फैमिली गांव में है और वो लोग उधर अटके हैं, कुछ उल्टा है, कुछ लोग गांव में अटके हैं उनकी फैमिली उधर है, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए भी कुछ तो सोचना चाहिए, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ तो सोचना चाहिए कि जो लोग आज भूखे हैं उनको उनके खाने के बारे में क्या, उनके राशन पानी का इंतज़ाम हमें करना चाहिए, ये ह्यूमैनिटी है और इसी वक्त हमें एक काम करना चाहिए। अब क्वारंटाइन भी हमारे, जो मैंने बताया कि क्वारंटाइन यानी अलग होना, क्वारंटाइन यानी कि जो सस्पेक्ट करते हैं हम किसी आदमी को कि इसको होने के चांसेस हैं बीमारी, तो उसको अलग कर देना, सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज कॉल्ड एज क्वारंटाइन। तो ये क्वारंटाइन है ना, इस वक्त हमें क्वारंटाइन हमारे ख्यालात का करना चाहिए, यानी हमको हमारे ख्यालात अलग कर देने चाहिए, हमारे ख्यालात पॉजिटिव होने चाहिए कोरोना के ताल्लुक से, तभी तो हम इसको फाइट कर सकते हैं। सिर्फ फिजिकल क्वारंटाइन कर रहे हैं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, इससे कुछ बात नहीं बनने वाली है, इससे जो आफ्टरमैथ आफ्टर इफेक्ट्स जो होने वाले हैं वो बहुत बुरे होने वाले हैं, ये जो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो हम ये सोचते हैं कि जो आज हम सोच रहे हैं, ये जो माहौल है जो चल रहा है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे साथ और हमारे साथ वही हो रहा है जो माहौल चल रहा है, ऐसा नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वो हमारे साथ होगा, यानी थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स क्रिएट्स योर डेस्टिनी। आज हमारे ख्यालात अगर अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होने वाला है, आज अगर हमारे ख्यालात बुरे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो हमारे ख्यालात यानी हमारे साथ भी बुरा होने वाला है। आज जो कुछ आज हम हैं वो इट इज बिकॉज ऑफ आवर डिसीजन इन द पास्ट, आवर थॉट्स इन द पास्ट, जो कुछ हमने लिए थे डिसीजन पास्ट में उसकी वजह से आज हम हैं, जो कुछ हमने ख्यालात किए थे, जो कुछ हमने सोचा था आज उसकी वजह से हम हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोरोना के बारे में भी आप लोग, आप या हम
जो कुछ भी आज सोचेंगे वही चीज हमारे साथ हो जाएगी, वही डेस्टिनी हमारी बन जाएगी। तो क्वारंटाइन और ये फिजिकल आइसोलेशन और ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमारा सब माइंड के हिसाब से होना चाहिए, थॉट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि सिर्फ फिजिकली होना चाहिए। अगर हमने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा तो हम लोग एंग्जाइटी से बच जाएंगे, डिप्रेशन से बच जाएंगे और हम लोग कोरोना से फाइट करेंगे। देखो, आज अगर हमारे रूम में कोई डस्टबिन है और अगर वो भर दे गई तो हम उसको क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। अब मगर अगर हमारा माइंड डस्टबिन के जैसा काम करने लगे तो, यानी हम लोग वो डस्टबिन में जो हमारे रूम में रहती है उसमें हर किस्म का कचरा डाल देते हैं और जब वो भर जाती है तो उसको बाहर फेंक देते हैं। अगर हमने हमारे माइंड को डस्टबिन बना लिया, आज तो हालात हमारे यही हो चुके हैं कि हमारे माइंड को हमने डस्टबिन बना लिया है। अब उस डस्टबिन में हम लोग क्या क्या न चीज़ें, मैंने भयानक चीज़ें डाल रहे हैं जो हम देख रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें सोच रहे हैं और गलत चीज़ें फील कर रहे हैं और गलत चीज़ें सुन रहे हैं, ये सब हमारे माइंड के डस्टबिन में जा रहा है। अब एक बात ध्यान में रखो कि माइंड के डस्टबिन को खाली नहीं किया जा सकता, माइंड के डस्टबिन को जो भरी हुई है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस योर डस्टबिन ऑफ द माइंड विथ अ गुड थॉट्स। जब हम पॉजिटिव थॉट्स लेके हमारे माइंड्स में घुसाना शुरू कर देंगे तब ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ग्लास है, एक ग्लास में जिसमें पानी है और पानी है वो है ब्लू कलर का, यानी समझो कि मैंने इंक डाली है और वो ब्लू कलर का हो गया। अब जब पानी ब्लू कलर का हो गया तो उसको वाइट करने के लिए हम पूरा फेंक देंगे और दूसरा पानी भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर उसको वाइट करना है वैसे भी कर सकते हैं, मगर माइंड में ऐसा नहीं कर सकते। माइंड में क्या कर सकते हैं कि उसमें हम क्लीन प्योर वाटर डाल देंगे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि वो ब्लू पानी वो आहिस्ता आहिस्ता क्लीन एंड प्योर होते चला जा रहा है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो पूरा के पूरा पानी क्लीन और प्योर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे माइंड के साथ भी होती है, यानी माइंड में हम जो कुछ डाल रहे हैं वो उसको डस्टबिन न बनाओ। माइंड को अगर डस्टबिन बनाओगे तो बहुत सारा कचरा उसमें जमेगा और वो उसी वक्त रिप्लेस हो जाएगा जब हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें कुछ डालना शुरू कर देंगे। आज हमारा जो ये कोरोना से फाइट करने के लिए जो कुछ हमको चाहिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, हाथ धोना कहते हैं, बार बार हाथ धोने के लिए बार बार कहा जाता है, अरे मन को कब धोओगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मन पे जो दाग आज पड़े हुए हैं ये कोरोना की वजह से, उसको धोना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस मन को नहीं धोएंगे और सिर्फ हाथ धोते बैठेंगे, पहले भी तो हम हाथ धोया करते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि आज हम हाथ धो रहे हैं और वो भी वो फियर के साथ धो रहे हैं कि हमको ये डिजीज न होने पाए इसलिए हम हाथ धो रहे हैं। ये फियर है वो बहुत गंदी चीज़ है जो हमें खाई जा रही है और जो हमारे हेल्थ पे, एवरी फियर एवरी इमोशन अफेक्ट्स योर एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये भी एक इमोशन है जो फियर है, वो हमारे एवरी सेल पे काम करता है, एवरी सेल को अफेक्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे एवरी सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। नॉट ओनली माइंड विल बी डिस्टर्ब बट योर होल बॉडी विल बी डिस्टर्ब एंड हार्ट अटैक भी आ सकता है, इससे पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, इससे IHD भी हो सकता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक सोच की वजह से होती है, हमारे अंदर पैदा होती है। हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थिंकिंग राइट अबाउट कोरोना। यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि जब हम राइट थिंकिंग करना शुरू कर देंगे कोरोना के बारे में तो हमारा फियर निकल जाएगा। कुरान ने इसके ताल्लुक से जो बताया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, यानी जो कुछ तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कुरान और कोरोना वायरस, इस ताल्लुक से मैं बता दूंगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।